नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। सजी फोन इन कार्यक्रम है, आज सोमवार का दिन है। आप अपने प्रश्नों के उत्तर सीधे पूछ सकते हैं, तो विषय तो बताना ही पड़ेगा ना। आज का हमारा जो विषय है वो है मछली पालन में असीम संभावनाएं क्या क्या है और कृषि क्षेत्र में युवाओं के लिए किस तरह से असीम संभावनाएं हैं, इस पर हम बात करेंगे। आप हमारे फोन नंबर पहले लिख लीजिए 0755-266-0049 और टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। इन नंबरों पर आप बात कर सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे बड़ी बात यह है कि आज मछली पालन जो है वो अत्याधुनिक व्यवसाय के रूप में उभरता चला जा रहा है। कृषि का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग बनकर उभर कर आया है मछली पालन का व्यवसाय, और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में दो हमारे अपने बहुत अच्छे मेहमानों को आमंत्रित किया है। सर्वपहले मैं आपको उनका परिचय कराती हूँ। हमारे साथ हैं मछली पालन और संभावनाओं पर बात करने के लिए भरत सिंह जी हैं, संचालक मत्स्य उद्योग विभाग भोपाल से हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, नमस्कार। और दूसरा हमारे साथ है कृषि क्षेत्र में युवाओं की असीम संभावनाओं को लेकर बात करने के लिए हैं आशु जैन, जो कि सीए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, नमस्कार। तो सर, जिस तरह हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो कृषि क्षेत्र है वो बहुत बढ़ता चला जा रहा है, कई क्रांतियाँ हुई जिसमें हमारी एक नील क्रांति बहुत महत्वपूर्ण है, क्या बताना चाहते हैं हमारे किसान भाइयों को? सर्वप्रथम मैं किसान भाइयों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। आज इस प्रोग्राम में, जैसा कि मैडम ने विषय बताया है, नील क्रांति जो थी हमारी योजना थी, पहले जैसे कि वन के क्षेत्र में हरित क्रांति आई, दूध के क्षेत्र में श्वेत क्रांति आई, उसी प्रकार से मछली पालन के क्षेत्र में हमारी नील क्रांति योजना आई। नील क्रांति का उद्देश्य हमारा जो था कि कैसे कैसे हम मछली पालन के भाइयों को जोड़ें, अधिक से अधिक उनको लाभ हो, कैसे उनकी आय को हम दोगुनी कर सकते हैं। मत्स्य पालन में जो विभाग की अपार संभावनाओं को देखते हुए भारत सरकार ने एक अलग से ऐसे मंत्रालय से अपडेट किया, नए हमारे कैबिनेट मंत्रियों को अलग किया, हमारे विभाग को अलग किया। इसकी अपार संभावनाओं को देखते हुए एक हमारी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के नाम से एक नवीन योजना लागू की गई, जिस प्रकार से कि हमारे इसमें करीब 20,050 करोड़ का परिव्यय था, जो कि पूरी भारतवर्ष के लिए था। हमारे मध्य प्रदेश में भी हमने प्रधानमंत्री में काफ़ी अच्छा काम किया। इसी प्रकार से जो कि हमारे मछुआरे भाई थे उनके लिए जो हमने अनेकों योजनाएँ चला रखी हैं, और जैसे कि मैं आपको जो पूछेंगे मैं बताऊँगा। वर्तमान हमारे ऊपर जो प्रधानमंत्री की स्कीम है वो फ्लैगशिप स्कीम है, जो कि वर्तमान में चल रही है। बिल्कुल, आपने बताया कि इतनी सारी स्कीम है जो किसानों के लिए चल रही है, लेकिन अगर हम समय की बात करें तो अभी ये जुलाई और अगस्त का समय मछली पालकों के लिए बहुत विशेष होता है, किस तरह होता है इसके बारे में बताएं। इसमें मछली बीज उत्पादन के लिए हमारा जो माना जाता है कि 15 जून 16 जून से बारिश हुआ करती थी, और 15 अगस्त तक की हमारी बारिश चलती थी, 15 अगस्त सितंबर तक बारिश का समय रहता था। इसमें हमारे एक प्रोफेसर डॉक्टर हीरालाल चौधरी साइंटिस्ट थे जी, और डॉक्टर उनके प्रोफेसर अनिकुनी जी, इन दोनों ने मिलकर इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के नाम से मछली का प्रजनन इसमें करवाया था। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो मछलियाँ हमारी होती हैं वो वर्ष में केवल एक बार प्रजनन करती हैं, और इनको इन लोगों ने जो साइंटिस्ट लोग थे इनका उड़ीसा कटक में इनका इन्हें सफल प्रजनन किया था। और सर्वप्रथम जो उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है मछली की, उसको लगाया, उसको निकाला, उसके हार्मोन्स जो थे उसको मेल को फीमेल को इंजेक्ट किया जी। फीमेल को दो इंजेक्शन देना पड़ते थे, जबकि मेल को हमारा एक इंजेक्शन में काम हो जाता था। बहुत सारी बातें हम आपसे करेंगे, लेकिन हमारे एक दर्शक आपसे बात करना चाहते हैं। विपिन कटारे जी हैं सागर से, हम उनसे बात करते हैं। जी विपिन जी, प्रश्न कीजिए, बहुत स्वागत है आपका। हेलो, शायद संपर्क उनसे टूट गया है जी। हम बात कर रहे थे ब्रीडिंग की जी। तो मैम, हुआ क्या कि जब इंजेक्ट किया तो मछलियों को, फार्मर को आसानी से सीड मिलना शुरू हुआ, और आजकल तो इतनी टेक्निक्स आ गई हैं कि उसके बाद तो इनके इंजेक्शन करने के बाद जो इंजेक्शंस वगैरह लगे, जैसे ओवाटाइड है, ओवा प्रीम है, ओवा एफएच है, ये इंजेक्शंस हैं जो मछलियों के एक बार देने के इंजेक्शन करने के बाद, ये सर्कुलर हैचरी, चाइनीज हैचरी होती है, बंगला बंद वगैरह ब्रीडिंग कराते हैं, आसानी से मछलियों की ब्रीडिंग हम लोग कर पा रहे हैं प्रदेश में। पूरे प्रदेश में हमारे पास अनेकों हैचरियाँ हैं जो विभाग के पास में है, मत्स्य महासंघ के पास हैं, निजी क्षेत्र में भी हमारी काफ़ी हैचरियाँ बनी हैं। करीब 37 हैचरियाँ जो हैं निजी क्षेत्र में हम लोगों ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से बनाई हैं। सीड मत्स्य बीज जो होता है किसी भी किसान के लिए उपयुक्त होता है, और उसकी रीढ़ की हड्डी माना गया है। अगर मछुआरों को बीज समय पर उपलब्ध करा दें, अच्छी क्वांटिटी में उपलब्ध करा दें, तो मछली पालन को दिक्कत नहीं पड़ती है, और फार्मर को भी आसानी से सीड उपलब्ध हो जाता है। बिल्कुल सर, हम आपसे बात करेंगे। हमारे एक दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं बाराबंकी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, प्रश्न कीजिए।
नमस्कार सर, मेरा प्रश्न ये है कि मछली जल की रानी है, जल ही उसका जीवन है, हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है। तो ऐसी दशा में जो हमारे नवयुवक हैं, लड़के बच्चे, तो इनको मछली की रोजगार से कैसा जोड़ा जाए, और उसकी मछली पालन के साथ साथ जो हमारा जल जल संचय की व्यवस्था है, तो उसको हम किस प्रकार से करें। उधर तो हमारा जल संचय से तो हमारा जो है जी, बहुत ही इन्होंने कविता सुना दी। सर, मैं इनकी कविता को बहुत बहुत स्वागत देते सुना, अच्छा लगा। इन्हें कहा मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा, मछली जल की रानी है, हम सबकी जीवन दायिनी है। क्या बात, मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, मछली ही उनका जीवन है, मछली ही उनका स्वरूप है, मछली ही उनका सब कुछ है। इस बात को लेते हुए सर्वप्रथम आपने पूछा मछलियों के साथ तालाबों के बारे में, तो मछली के तालाब के लिए बहुत ज़्यादा जो पैरामीटर्स होते हैं वो नहीं है। मैं यहाँ कहूँगा किसान भाइयों, हार्टिकल्चर ले लीजिए, एग्रीकल्चर ले लीजिए, या अन्य किसी क्षेत्र को ले लीजिए, उससे कम श्रम में, कम समय में अधिक से अधिक लाभ मछली फिशरीज से कमाया जा सकता है। अनेकों स्पीसीज, डाइवर्सिफाइड स्पीसीज हमारे पास उपलब्ध हैं, जो कि कम समय में लाभान्वित करते हैं, फार्मर्स को भी लाभ होता है। बाराबंकी तो बहुत अच्छा जिला है, पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ बहुत पहले आरएएस की स्थापना की गई थी। मैंने खुद ही बाराबंकी में जाकर भ्रमण किया हुआ था, तो हमारे जो फार्मर्स हैं इन्हें वहाँ देखा होगा, नहीं देखा है तो परवेज खान करके वहाँ के जाके देख सकते हैं। यूपी गवर्नमेंट भी हमारे साथ में काफ़ी सहयोग करती है हमारे मत्स्य पालन के क्षेत्र में। आप भी कभी हमारे मध्य प्रदेश आइए तो मैं आपका स्वागत भी करूँगा, और जो एक्टिविटीज़ हमने इनोवेशन किए हुए हैं वो मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाऊंगा भी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात है। और आशु जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, हम आपसे बात करना चाहेंगे, हमारे जो कई किसान भाई हैं, अब हमारा जो कृषि व्यवसाय है अब वो बढ़ रहा है, उद्योग बन रहा है, व्यवसाय की तरफ बढ़ रहा है, तो हमारे जो युवा हैं वो इसमें किस तरह से वित्त प्रबंधन करें, कैसे निवेश कर सकते हैं, इसमें आप क्या देखते हैं? एग्रीकल्चर के सेक्टर में यूथ के लिए इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे अभी फार्मिंग में यूथ आ सकते हैं, आप स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोड्यूसर कंपनी बना सकते हैं, किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के वो फार्मर्स को फंड प्रोवाइड कर सकते हैं, और ये जो रिटर्न्स आते हैं वो बहुत अच्छे हैं जो बाकी सेक्टर्स में कर सकते हैं, क्योंकि अभी सरकार भी जो है अपनी इनकम फार्मर्स की बढ़ाने के लिए एफर्ट्स डाल रही है। तो अगर कोई भी यूथ इस सेक्टर में आना चाहता है, पॉली हाउसेस हैं, डायरेक्ट वेजिटेबल, बहुत सारी एग्जॉटिक वेजिटेबल्स होती हैं, उनका फार्मिंग करके भी वो काम कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर एक स्टार्टअप की हम बात करें, आजकल हर क्षेत्र में स्टार्टअप हो गया, कृषि के क्षेत्र में भी स्टार्टअप है, तो वहाँ पर किस तरह से हमारे जो किसान भाई हैं, युवा किसान हैं, वो इसमें अपने आप को जोड़ सकते हैं स्टार्टअप में? स्टार्टअप में वो स्टार्टअप इंडिया में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और कंपनी बना के काम स्टार्ट कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे उसका कंप्लायंसेस रहता है, और बहुत सारी बैंक के थ्रू उनको फैसिलिटीज भी हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज वो भी यूज कर सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया में बहुत सारी फैसिलिटीज दी हुई हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए वो काम स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, और बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट और कोर्सेज भी सरकार जो लाती है उनकी हेल्प के लिए वो करके अपने इस काम को और अच्छे से नए मॉडर्न तरीके से एडवांस करके काम कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आशु जैन जी कहते हैं कि अगर नए एडवांस तरीके से काम किया जाए तो उनको कृषि में भी बहुत सारा लाभ हो सकता है। कृषि दर्शन कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी स्वतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है? हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा,
बढ़ेगी 10 से 15 फीसदी नाइट्रोजन क्षमता। अंतराल के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। सजीव फोन इन कार्यक्रम है। फोन नंबर आपको फिर से एक बार बताते, फोन करिए और अपने प्रश्नों के उत्तर आप पूछ सकते हैं 0755-266-0049 और टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040 और विषय है मछली पालन में असीम संभावनाएं और कृषि क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार की क्या संभावना है, इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ भरत सिंह जी हैं, संचालक हैं, और आशु जैन सीए हमारे साथ यहाँ हैं। सर, हम बात कर रहे थे, मत्स्य पालन की बात हो रही थी, आय दुगनी हो, ये सरकार का भी अपना एक नियम है, बहुत सारे कार्यक्रम चला रहे हैं। सीमांत किसान हैं जो हमारे मछली पालन के, उनके लिए क्या शासकीय योजना है, इसके बारे में बताएं। मैम, ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, ये छोटे फार्मर्स के लिए है, सीमांत फार्मर्स के लिए है। इसमें अनेकों एक्टिविटीज हमारी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जो सब्सिडी पैटर्न है उसमें जनरल कास्ट का कोई पुरुष है तो उसको 40% सब्सिडी देने का प्रावधान है। अगर किसी को SC ST है तो उसको 60% देने का प्रावधान है, और अगर किसी महिला है, महिला किसी भी कास्ट की हो सकती है, उसको 60% देने का प्रावधान है। जी। जैसा कि आपने पूछा कि सीमांत कृषकों के लिए, अगर किसान भाइयों के पास कोई जमीन है या जिनकी जमीन में वो खेती नहीं कर पा रहे हैं, उसमें दलदल है, उसमें तालाब निर्माण की एक बहुत अति महत्वाकांक्षी योजना है। प्रदेश में करीब 1700-1800 हेक्टेयर में तालाब बनाए भी गए हैं, तो उसमें वो तालाब बना सकते हैं। बीज संवर्धन के लिए भी उसमें एक पॉन्ड्स बनाए जा सकते हैं, छोटे छोटे पॉन्ड होते हैं जिसमें वो बीज का संवर्धन कर सकते हैं। आजकल और एक जो 0.1 हेक्टर्स का पॉन्ड है जिसमें HDPE लाइनिंग लगा के उसमें रेटर्स लगा के उसमें करते हैं, उसको बायोफ्लोक पॉन्ड नाम दिया गया है। इसकी यूनिट कॉस्ट 14 लाख रुपए करीब की बनती है और 0.1 हेक्टर में बना सकते हैं। आजकल एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है कि जो बड़ा फार्मर्स है या छोटा फार्मर्स है, वो छोटा सा तालाब अपनी जमीन में बनाता है तो उसमें जो मछलियाँ रहती हैं उसमें जो फर्टिलाइज पानी उसका हो जाता है, तो अगर 25% अपनी जमीन में सिंचाई करता है पानी पे, तो उसमें उसको जमीन में अपने एग्रीकल्चर लैंड्स में फर्टिलाइजर डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो मछली का पानी होता है ये उनके फर्टिलाइज की पूर्ति को पूरी करता है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में अनेकों कंपोनेंट्स है, जैसे उसकी हम लोगों ने मछली बीज से लेके उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था है, उसको कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था है, उसको संग्रहण की व्यवस्था है, ये सब हमने कंपोनेंट लिए हैं। जैसा कि हम बताएंगे आपको, जैसे हम मोटरसाइकिल फार्मर्स को मैं अपने तालाब से मछली निकाल लिया, उसके बाद वो बेचने जाता है तो कैसे बेचने के लिए जाएगा, तो हम उसको मोटरसाइकिल विथ इंसुलेटेड बॉक्स का हमारे यहाँ योजना में प्रावधान है, वो ऑटो रिक्शा खरीद सकता है। और बड़ा कोई फार्मर्स अगर आता है तो इंसुलेटेड ट्रक्स हैं, इंसुलेटेड वैन्स हैं, ये सब उनको हम प्रावधान करवाते हैं। उन सभी योजनाओं में जो है सब्सिडी पार्ट जो मैंने बताया वो 60-40 का ही है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया कि सब्सिडी हमारी सरकार दे रही है और भारत सरकार दे रही है और चाहती है कि हमारे जो सीमांत कृषक है वो भी अच्छे से अच्छा व्यवसाय करें। मछली पालन में बात हो रही है, जिस तरह स्कीमों की बात हो रही है, तो अगर हमारे कुछ किसान हैं वो शासकीय योजनाओं का लाभ लेते हैं तो उनको क्या क्या, मतलब इस तरह से वित्त प्रबंधन में उनको लाभ मिलता है? जी, बहुत कॉमन सी जो स्कीम है वो KCC है, जो सरकार प्रोवाइड करती है। आप बैंक में जाइए, स्टेट बैंक में 3-4 लाख की इजीली आपको KCC मिल जाती है। उसमें आपको इंश्योरेंस का भी बेनिफिट मिलता है, अगर फसल बेकार आपकी खराब होती है तो वो इंश्योरेंस का पैसा भी मिलता है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें अगर आप फंड को थोड़ा घुमाते हैं तो लगभग ना के बराबर आपको 3-4% का रेट लगता है। तो ये बेसिक स्कीम है जो आप ले सकते हैं सरकारी, और बहुत सारी स्कीम्स आती रहती हैं, जैसे सब्सिडीज आती हैं, तो हर एक सेक्टर के लिए गवर्नमेंट धीरे धीरे वो स्कीम्स निकालती रहती है, तो वो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो रिटर्न फाइल करने में उनको इसका लाभ मिलता है? रिटर्न फाइल करने में किसान भाई लोग जो अभी बहुत कम करते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उन्हें करना चाहिए, क्योंकि उससे उनका कैपिटल बिल्ड होता है, उससे उनका लोन इजीली हो जाता है और पूंजी बनती है, तो उस एंगल से उन्हें रिटर्न फाइलिंग करना चाहिए। आपने पूंजी बनती है, एक बहुत ही अच्छा शब्द आशु जैन जी ने कहा है कि एक अच्छी पूंजी बनाने के लिए हमारे जो किसान भाई हैं किन बातों का ध्यान रखें? पूंजी बनाने के लिए आपको ये देखना चाहिए कि जैसे जो फंड आते हैं उसका आप अच्छा यूज करें। जब आपका फंड यूज नहीं हो रहा तो आप FD कर लीजिए, म्यूचुअल फंड्स भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जो सेफ रहते हैं, जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स देते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं, आपको पोर्टफोलियो जो है अपना इन्वेस्टमेंट का डाइवर्सिफाइड करना चाहिए, जितने अलग अलग साधन है उसमें करना चाहिए ताकि आपका रिस्क कम हो जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में अभी अवेयरनेस थोड़ी कम है, तो किसान और
जो भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो वैसा इन्वेस्टमेंट करके अपना फंड का ज़्यादा अच्छा यूज़ और अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। रोलिंग बनाते चलना चाहिए। रोलिंग थोड़ा ज़्यादा अच्छे से अगर करते हैं, हाँ। जब आपके फंड का कोई यूज़ नहीं हो उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करके रोलिंग अच्छे से बना के उसका रिटर्न बढ़ा के पूंजी और बढ़ा सकते हैं। सही पूंजी का अगर हम निवेश करते हैं तो उसका सही तरीके से उपयोग भी होता है और वो हमें लाभ भी देती। बात लाभ की हो रही है सर, मछली पालन की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की हम बात करें तो बहुत सारी प्रजातियाँ हैं, डाइवर्सिटी स्पीशीज की हम बात करना चाहेंगे, इसके बारे में किसान भाइयों को बताएं। मैम, आजकल का जो सिस्टम आया है, आजकल जो किसान परंपरागत खेती किया करता था उसको बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस की ओर गया, साइंटिफिक प्रैक्टिस की ओर गया। छोटे से तालाब में जो डाइवर्सिफाइड स्पीशीज के बारे में आपने बात किया, डाइवर्सिफाइड स्पीशीज में हमारे पास जो पहले फार्मर था कतला रेहू मृगल कॉमन कार्प ग्रास कार्प सिल्वर कार्प, ये 6 स्पीशीज का कल्चर किया करता था। वर्तमान में जो डाइवर्सिफाइड स्पीशीज आई, जैसे अपने मध्य प्रदेश में बहुत पॉपुलर हो रही है, एक पंगेशियस स्पीशीज आई हुई है जो सघनता में तालाब में रहती है, केज कल्चर वगैरह में भी उसका उपयोग हो रहा है, तो ट्रेपिया है आजकल, तो और फार्मर जो भी हाई यील्डिंग वैरायटीज में चले गए हैं, तो स्ट्रिप्ड मुरल से एक समल अपने यहाँ, उसको समल जो मछली हुआ करती थी, काफ़ी लोकप्रिय मछली है, सिंगल बोन में फिश होता है, उसको लोगों ने पसंद किया। कई लोग हमारे यहाँ रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम में उसको पालना शुरू किए। पहले नदियों में ये पाई जाती थी, एंगलिंग करके लोग पकड़ा करते थे, तालाबों में भी मिलती थी, लेकिन उसको हम लोगों ने जो रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम में मॉडिफाइड किया और वो काफ़ी रूप से अडोप्ट कर रही है। ये मांसाहारी मछली हुआ करती थी जो कि इनका जो फीड है, उनने कंपनियों ने जो कंपनियाँ की फीड आई उनने इसको फीड को इस प्रकार से तैयार किया, उस मछली ने उस फीड को अडॉप्ट किया और अच्छा सा एक कल्चर लोगों ने शुरू किया है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ टिलेपिया मछली का बहुत अच्छा कल्चर हो रहा है। कुछ जेनेटिकली इम्प्रूव्ड वैरायटीज हैं जो कि आई हैं, जैसे कि जयंती रोहू है, इम्प्रूव वैरायटीज ऑफ कतला, ये जो स्पीसीज के नाम बता रहा हूँ किसान भाई हो, तो इसमें जो जयंती रोहू थी अपनी जो नॉर्मल रोहू है उससे इसकी फास्ट ग्रोथ होती है, इसकी बॉडी अच्छी चमक होती है इसकी बॉडी में और ये जल्दी से अपना प्रीडिंग करती है। मैं आपको किसान भाइयों यहाँ बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो मध्य प्रदेश में हैचरियाँ हैं उन कई हैचरियों वालों लोगों ने इसके ब्रूडर्स रखे हुए थे, मैहर पौड़ी में हमारे हैं, सिवनी बालाघाट में हैं, इन लोग भी खुद जाति का इसका सीड ले सकते हैं, आसानी से उपलब्ध हो रहा है। एक और मैं मैडम 2 मिनट आपको, उसमें हुआ क्या कि जो स्कैम्पी कल्चर की बात करें, महा झींगा की बात करते हैं, वो भी हम लोगों स्टेट में हम लोगों ने अडॉप्ट किया, इसमें भी हम लोगों ने कई पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट हमारे 13-14 में अडॉप्ट किया, काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन मिला है। ये हमने नया इनोवेशन शुरू किया था, वर्तमान में हमारा है कि हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। जी सर, हम जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मछली की बात हो रही है और झींगे की आपने जिस तरह बात करी, तो झींगा पालन किस तरह से और भी होता है, इस मछली के बारे में थोड़ा सा बताएं। मैम, ये जो फिश दिखा रहे हैं ये केज कल्चर में मछलियाँ थी जी, कुछ इसमें गोल्डन कार्प वगैरह थी, हम लोगों ने फार्मर्स के लिए विजिट करने बच्चों को लेकर जाते थे, तो ये गोल्ड फिश वगैरह का हम लोगों ने रखा हुआ था। केज के बारे में थोड़ा किसान भाई वैसे तो जान रहे हैं, बहुत पॉपुलर है, ज्यादा नहीं है ये, 6x4x4x का 96 क्यूब मीटर का एक होता है जिसमें पंगेशियस स्पीशीज को पालते हैं और इस केज कल्चर से मतलब 96 क्यूबिक मीटर से हम करीब 2 से 3 मेट्रिक टन मछली उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों के लिए इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम है नाम्स है कि एक व्यक्ति को हम 18 केज प्रोवाइड करवाते हैं, तो 18 केज के माइंड प्रोवाइड करवाने से उसका बहुत अच्छी तरह से जीवन यापन होता है और इसमें पंगेशियस और टिलेपिया 2 मछली हैं जिसका कि आसानी से पालन किया जा सकता है। इसमें हार्वेस्टिंग में सब कमर सम लगता है, मतलब उसको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, फीड बेस्ड मछली है, जितना मछली खा कोपन खाना खिलाते हैं उस पर से वेट गेन करती है। हमें बता दें कि बिल्कुल नहीं कहूँगा, जैसे कि ब्रॉयलर चिकन हुआ करता था, सेम प्रजाति की मछली है ब्रॉयलर चिकन के रूप में आई हुई है और अपने यहाँ जो प्रोडक्शन हो रहा है इसका करीब 20-25% पंगेशियस का उत्पादन कर रहे हैं। इसी प्रकार टिलेपिया का उत्पादन भी अच्छी मात्रा में हुआ है जो कि चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये कहना चाहिए कि इतनी सारी प्रजातियां जो हैं वो हमारे किसान भाई ले सकते हैं और अच्छा मछली पालन का उत्पादन ले सकते हैं। झींगा पालन पे हम थोड़ा सा प्रकाश चाहते हैं कि हमारे किसान भाई समझें इस चीज को। मैम, प्रॉन कल्चर का जो कॉन्सेप्ट आया था पिछले वर्ष हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक हमें योजना दी गई थी, मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना, जिसके तहत हमें कहा गया था कि आप इसको बढ़ाइए, तो हम लोगों ने इसका सीड सीफा भुवनेश्वर से मंगा के दिया। कुछ हमारे नर्मदा बेल्ट में जो झींगा चढ़ के आता था उसका हमने वाइल्ड कलेक्शन करवाया, कुछ सिलेक्टेड फार्मर्स थे उनको हमने प्रोवाइड कराया, एक अनेकों तालाबों में इसको प्रोडक्शन किया, अन्य खाया और अडोप्ट किया, हाँ। कुछ बड़े रिजर्वाइर्स में भी इसका हमने कल्चर शुरू किया और ये झींगा जो हमारे फ्रेश वाटर का बिका, मतलब जो ग्रोथ आई इसकी वो 300-400 ग्राम जो कि सफिशियंट ग्रोथ होती है 3-4 महीने में प्राप्त किया। इसकी मार्केट प्राइस भी मैडम जो मिला है वो 400-600 रुपये के जी तक का बिका, मतलब ये मछलियों से ज़्यादा महंगा बिका और इसकी फ्रेश वाटर होने के कारण मध्य प्रदेश चूँकि
एक फ्रेश वाटर जिला है और बड़े बड़े रिजर्वायर्स यहाँ पर हैं। बिल्कुल, इसकी झींगा की जो मांग रही है वो दिल्ली तक हमारा झींगा बेचने लोग गए, दिल्ली गया, बम्बई गया और हमारा यूपी भी लोग झींगे लेके गए। फार्मर्स की रुचि को देखते हुए हम लोगों ने इसको लगातार वृद्धि करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा ऐसा प्रयास है कि इस वर्ष हम अनेकों जो हमने झींगा पालन का 35 टन का हमने उत्पादन इसमें लिया था, हमारा प्रयास है इसको हमें डबल करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, और फार्मरों की, मत्स्य पालकों की इसमें काफी रुचि है। बहुत ही बढ़िया। और कृषि क्षेत्र में युवाओं के लिए असीम संभावनाओं पर बात कर रहे हैं सर, हम जानना चाहेंगे कि हमारे जो किसान भाई हैं कई तरह से काम करते हैं, पानी में काम करते हैं और लगातार समुद्रों में काम करते हैं, दुर्घटनाएं भी होती हैं, किस तरह हमारे किसान भाइयों के लिए अपने विभाग की योजनाएं हैं इसके बारे में बताएं। मैम, जैसा कि आपने कहा, मछुआरों का काम जोखिम भरा तो होता ही है, तालाब में जाना, समुद्र में जाना, बड़े बड़े रिजर्वायर्स में जाना जी। वो फिशिंग करने जाते हैं तो उनको काफ़ी मेहनत का सामना करना पड़ता है, जाल्स वगैरह भी उनके पास होते हैं और एक नाव पर 2 आदमी भी होते हैं, चारों तरफ से पानी होता है तो उनको काफ़ी दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। मैं तो चाहूँगा भगवान से कभी दुर्घटना ना हो, लेकिन हमारे गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा की योजना के अंतर्गत मछुओं को सामूहिक दुर्घटना बीमा की एक स्कीम है GIS, जो कि गवर्नमेंट, भारत सरकार के और सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रीमियम के आधार पर चलाई जाती है। इसमें जो है प्रीमियम जो होता है वो 100% भारत सरकार और हमारा भारत सरकार और राज्य सरकार वहन करती है। बीमा का प्रीमियम 84 रुपीज होता है जो कि 60-40 के मान से सरकारें मदद कर देती हैं। मछुआरों को इसमें किसी प्रकार की कोई राशि नहीं ली जाती, इसमें सीधा फीधा सा है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा फार्म भी नहीं होता है। जो मछुआरा हमारा 18 साल से 65 एज तक है उसका हम लोग दुर्घटना बीमा करते हैं, वो चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, मत्स्य बीज संवर्धन का क्षेत्र हो, मत्स्य पालन का क्षेत्र हो, मछली बेचने का क्षेत्र हो, किसी प्रकार की अगर कैजुअलिटी होती है तो उसमें प्रीमियम राशि जमा करने के बाद 1 साल के लिए बीमा होता है। और अगर उसकी मान लीजिए आकस्मिक मृत्यु होती है, स्थायी विकलांगता आती है तो उसको 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और अगर उसको मान लीजिए जो हमारा आकस्मिक स्थायी अपंगता विकलांगता कुछ आती है तो 2.5 मतलब 2.5 लाख रुपए दिया जाता है जी। और किसी कारण से अगर मछुआरा अस्पताल में एडमिट हो जा रहा है, मतलब किसी भी उसके प्रकार का हो रहा है, तो उसको 25,000 रुपए देने का प्रावधान है जी। बिल्कुल, ये सबसे सच्ची स्कीम, इसलिए कहता हूँ कि मछुआरों भाइयों को इसमें किसी प्रकार का ओरिएंटल कंपनी से इंश्योरेंस होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और सीधा सीधा प्रोफार्मा हमारे पास रहता है, वो हमें क्वाली करते हैं और हम इसमें अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैम, इसी प्रकार से एक योजना और है हमारी सेविंग कम रिलीफ की, जिसमें कि मछुआरा भाई होते हैं उनको क्लोज चाहिए, जो लीन सीडीएड अपनी शुरुआत में बात की, उसमें हम लोग उनको 1500 रुपये उनका खुद का 9 महीने तक जमा करते हैं, 1500 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट और 1500 रुपये स्टेट गवर्नमेंट मिला के। जब मछुआरों को मछली पकड़ने जाने में प्रतिबंध लगा रहता है, उस समय ब्रीडिंग के कारण वो मछली नहीं पकड़ पाते, तो उनको 1500 रुपये, 1500 मतलब फार्मर का, 1500 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट का, 1500 स्टेट गवर्नमेंट का, 45 रुपये का 2 किस्तों में भुगतान करते हैं, ताकि मछुआ भाइयों को किसी प्रकार से उसमें उनको उनकी परिवार चलाने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, तो उनको दिक्कतें ना हो। सर आशु जैन जी, हम यही जानना चाहेंगे, किसान भाई यही समझना चाहेंगे कि जब ये बीमा योजना की लाभ मिलता है, पैसा आता है, तो इनको टैक्स में कोई इनको राहत मिलती है जी? बीमा योजना का जो भी अमाउंट आता है वो टैक्स फ्री रहता है। अच्छा जी, तो इसलिए हमारे किसान भाई निश्चिंत होकर ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। आप इंश्योरेंस का जो मेन पर्पस है कि जब कोई ऐसी अनफॉरसीन इवेंट होता है तो जो डिपेंडेंट है या फिर जो आपने चीजें नहीं सोची उसकी भरपाई हो जाए। हाँ। तो इंश्योरेंस जो है फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहला पार्ट है और सभी किसानों को और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, वित्तीय प्रबंधन का सबसे पहला पार्ट यही है कि इंश्योरेंस जरूर कराएं। और हमारे यहाँ भरत सिंह जी भी यही कहते हैं कि काम अगर कुछ भी कर रहे हैं हमारे किसान भाई तो उसका इंश्योरेंस जरूर कराएं, बीमा जरूर कराएं, क्योंकि सरकार उनके साथ में है। आपने जो कहा है हमारे किसान भाइयों के लिए क्या है चलते चलते एक सामयिक सलाह? किसान भाइयों, वर्तमान समय जो अभी बारिश का समय है, बारिश होने वाली है, आप अपने तालाबों में सीट डालने के पुले जहाँ से पानी आता है या जहाँ पानी निकलता है उन स्थानों पर जाली अवश्य लगा लें, ताकि कुछ अनवांटेड फिशेज उसमें ना जा सकें। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छी जानकारी, सार्थक जानकारी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। भरत सिंह हमारे साथ संचालक थे, आशु जैन सीए थे, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। नमस्कार।